कसरावत तहसील के ग्राम बड़गांव में भारी मात्रा में रेत का अवैध परिवहन हो रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के किसानों के खेत पहुंच मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। विरोध करने पर दबंगई दिखाई जाती है, किसानों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। इसको लेकर किसानों ने कई बार शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। किसानों की हमदर्दी का दावा करने वाली सरकार रेत माफियाओं के आगे मौन है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि हमारे खेत पहुंच मार्ग, जिन्हें हमने मुरुम डालकर बनवाया था, सैकड़ों डंपर लगातार निकलते रहते हैं, जिससे दुर्घटना का भी भय बना रहता है। साथ ही सड़क भी पूरी तरह से टूट चुकी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिससे बैलगाड़ी से रेत पर जाना असंभव होता जा रहा है। रेत परिवहन करने वाले डंपर चालक भी गुंडागर्दी का व्यवहार करते हैं। 10 से 12 टन वजनी डंपर बेहद तेज गति से निकालते हैं, साथ ही किसानों द्वारा विरोध करने पर दबंगई दिखाते हैं। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। बड़गांव से रेत खदान के बारे में कुछ शिकायतें आ रही कि निर्धारित जो आवंटित खदान है उसके अतिरिक्त भी वो कहीं से खुदाई कर रहे हैं, क्या बात? ये अभी आप सबके माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि जो ठेकेदार है उनके द्वारा जो चिन्हित स्थल है, जो उनको आवंटित स्थल है, उसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर खुदाई की जा रही है। इस संबंध में पूर्व में तहसीलदार कसरावत द्वारा भी मौके पर जांच की गई थी, शाम को जाकर उनके द्वारा निराकरण किया गया था। आपके द्वारा पुनः संज्ञान में लाया गया तो मैं स्वयं इसमें आगामी 2 से 3 दिवस में जाकर आपने जो भी वस्तु स्थिति बताई है उसके संबंध में जांच करूंगा और फिर उसके बाद जो भी कार्यवाही होगी निर्धारित वो की जाएगी। सर, जो पहुंच मार्ग है उसके लिए भी उन्होंने कुछ वृक्षों को काटा है, साथ ही कुछ नाले को अवरुद्ध कर दिया, जिससे किसान चिंतित है कि आने वाली बारिश में पानी उनके खेतों में जाएगा। सर, इसके बिल्कुल देखिए, इसमें प्राथमिकता यही है कि कहीं ठेकेदार के पक्ष में कहीं जो नियम के प्रतिकूल कुछ भी नहीं किया गया है, जो नियम में है, जो उनको सरकार द्वारा आवंटित की गई खदान उसी में उनको उत्खनन करना है, उसके अतिरिक्त कहीं भी उनको अलाउ नहीं किया गया है। और अगर कहीं यह संज्ञान में आता है कि किसी किसान के खेत को या फसल को या भविष्य में उनके फसल को नुकसान हो सकता है तो उस संबंध में मौके पर जाकर उस कृषक से बात करके कार्रवाई की जाएगी, और अगर संभव होगा तो अगर इस तरह का नुकसान हुआ है तो संबंधित कंपनी से उनको मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।